नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मास कम्युनिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 मॉडल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे पिछले कई पेपरों में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, मगर मॉडल जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है। पब्लिक रिलेशन होता है कि कोई भी ब्रांड की या कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉजिटिव इमेज बनाना। आप देखते हैं कई ऐसे ब्रांड हैं जो अपने अंदर एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखते हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर रखते हैं। उनका यही काम होता है कि उनका जो ब्रांड है या उनकी कंपनी है उसकी पॉजिटिव इमेज ऑडियंस तक बन सके, क्योंकि हमेशा देखिए कि ब्रांड वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे कोई भी कंपनी हो, जितनी बड़ी आपकी कंपनी उतनी बड़ी आपकी ब्रांड वैल्यू होती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू से आप ट्रस्ट डेवलप कर पाते हैं पब्लिक के बीच के अंदर। तो पब्लिक रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो एक इमेज बनाए, पॉजिटिव इमेज बना सके पब्लिक के सामने, एक साफ सुथरी इमेज। जो कहते हैं ना, एक साफ सुथरा इंसान है जिसके पीछे कोई दाग नहीं है, अगर उसका कोई दाग आ भी जाता है तो आप उसकी इमेज को कैसा अच्छा बना पाते हैं, वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या पब्लिक रिलेशन मैनेजर का काम होता है। अपना एक फेवरेबल कंडीशन बनाना, एक फेवरेबल माहौल बनाना पब्लिक के अंदर एक कंपनी का, तो ये पब्लिक रिलेशन के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं कौन से 4 ऐसे मॉडल हैं जो पब्लिक रिलेशन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मॉडल्स की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हम जान लें कि ये मॉडल किसने दिए थे। तो जैसा कि इसमें नाम मैंने मेंशन किया है, ग्रंच एंड हंट, 1984 में इन्होंने 4 मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन बनाए थे। अब आपको ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन की मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन किसने दिया था, उसमें आपको आंसर देना है ग्रंच एंड हंट। ग्रंच और हंट ने मिलकर 1984 के अंदर पब्लिक रिलेशन का मॉडल दिया था। ना हम बात करते हैं 4 मॉडल्स की। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि 4 मॉडल्स पब्लिक रिलेशन के होते हैं, तो इसमें चारों मॉडल आपको ब्रीफली दिए गए हैं। सबसे पहले मैं इनको नाम से बताता हूँ कौन कौन से मॉडल है, इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एक एक मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला मॉडल है प्रेस एजेंट पब्लिसिटी मॉडल, दूसरा है पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल, तीसरा है टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल एंड चौथा है टू वे सिमेट्रिकल मॉडल। तो ये चारों के बारे में यहाँ पर आपको ब्रीफ में दिया गया है, मैं इसको एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहला हमारा मॉडल है प्रेस एजेंट पब्लिसिटी मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। तो प्रेस एजेंट पब्लिसिटी मॉडल जो ये है, इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पर पब्लिसिटी की जाती है, प्रोपोगंडा सेट किया जाता है। प्रोपोगेंडा का मतलब है कि प्रचार प्रसार करना, मगर उस प्रचार प्रसार को कैसे करना, इसमें पूरा ट्रुथ मतलब ट्रुथ नहीं होता, मान लीजिए कोई मतलब सच्चाई नहीं होती है, इसमें हमें भ्रमित भी किया जा सकता है। ये एक ऐसा पब्लिसिटी मॉडल है जिसके अंदर मान के चलिए कोई फिल्म रिलीज हो रही है, या आपने कहीं देखा होगा कि कोई इलेक्शन कैंपेन आ रहा है या कोई ऐसा भाषण देता है, तो उसकी जो बात है, जो बात करने का तरीका है, हम फिल्म की बात करते हैं या कोई कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म है, मगर वो उसको ऐसे दिखाएंगे ताकि इसके अंदर क्या होगा कि अपने आप को प्रमोट करेंगे, भले ही उसमें कितनी खामियां हो, कितनी गलतियां हो, वो उसको छुपा के रखेंगे और अपनी सिर्फ अच्छाई चीजें दिखाएंगे। मतलब ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होता इसके अंदर, आपको ऐसी चीज दिखाई जाएगी जो उनके लिए अच्छी होगी, पब्लिसिटी करना। इसके अंदर जो प्रेस एजेंट पब्लिसिटी मॉडल के अंदर चीज है कि इसमें आपको कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, फीडबैक सिस्टम इसके अंदर मिसिंग होता है। यहाँ पर ये होता है कि मान लो वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, मगर आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कहीं आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो बड़े बड़े नेता आगे भाषण देते हैं, अपने वो दिखाते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया है अभी तक, हमने ये बना दिया, हमने डैम बना दिया, हमने सड़कें अच्छी कर दी, मगर क्या कमियां रह गई उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मतलब कमियां हर मॉडल के अंदर होती है, हर एक इंसान के अंदर कमी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, नेता में भी कमी है, उस फिल्म अगर कोई फिल्म है तो उसमें भी कोई कमी होगी, मगर कोई भी अपनी कमी के बारे में डिस्कस नहीं करता, वो सिर्फ अपना बढ़ान करता है कि उसने क्या अच्छाई हासिल की है, तो वो ही उसके इलेक्शन कैंपेन का एक अच्छा तरीका हो जाता है। कई ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे हैं पास्ट में भी, कई ऐसी मूवीज हैं जिनका इतना अच्छा प्रमोशन किया जाता है कि यार ये बहुत अच्छी मूवी है, इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा, हमें इतना ज्यादा पंपअप किया जाता है कि यार ये आप देखिए जाकर और ये बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा। मगर जब हम मूवी देखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो रहती है वो रियालिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और जो हम चाहते हैं देखना वो हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्होंने हमें इस प्रकार से दिखाया, हमें भ्रमित किया कि मतलब पब्लिसिटी करना, मतलब गलत वे में पब्लिसिटी करना, इसके अंदर आपके प्रोपोगेंडा सेट होते हैं, अपने मतलब के लिए पब्लिसिटी करना ताकि उनका फायदा हो जाए, भले ही वो उतना अच्छी चीज ना हो, तो इसके अंदर ये होता है। अब इस मॉडल को क्या कह सकते हैं, इस मॉडल को पीटी
ब्रनम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी चीजें आती हैं। कभी भी आपको सिंपली ये चीजें नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है, आपसे हमेशा ये चीजें पूछी जाती हैं जो कि काफी डिटेल में आता है। तो डिटेल में ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटी बर्नम मॉडल इसको कहा जाता है, मतलब प्रेस एजेंट पब्लिसिटी मॉडल को पीटी बर्नम मॉडल भी कहा जाता है। और मैंने जैसा बताया कि ये सिर्फ सेंडर टू रिसीवर, मतलब सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, इसमें आपको कोई फीडबैक सिस्टम नहीं मिलता। अगर आप रिसीवर की बात करते हैं तो रिसीवर मतलब मान लीजिए आप जैसे कोई नेता भी लोग, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, भाषण देते हैं बड़ी बड़ी रैलियों में, सिर्फ वो बोलते हैं, वहां से कोई फीडबैक नहीं आता जनता का। जैसे मैंने बताया फिल्म के प्रमोशन होते हैं तो वहां से कोई फीडबैक नहीं आता है, वहां पर वो फिल्म के प्रमोशन करते हैं, वर्चुअली भी करते हैं, तो सिर्फ वो अपने बारे में बताते हैं, हमारी फिल्म ये हमारा मतलब बड़ान करते हैं, बाकी उनको उससे कोई मतलब नहीं होता कि फीडबैक क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। उनका मतलब यही है कि मैनिपुलेट कर देते हैं वो, मतलब उनको भले ही वो चीज कितनी भी खराब हो मगर उसको वो अच्छे से दिखाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज रहती है प्रेस एजेंट पब्लिसिटी मॉडल के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे मॉडल की बात करते हैं जिसका नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल। पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल में कहूंगा तो ये बहुत अच्छा मॉडल होता है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज जो है कि आपको जो सच्चाई है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बताई जाती है। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी मान के चलिए कि इसमें कई स्कीम के बारे में आपको बता सकता हूं, जैसे कि कोई एक अच्छी स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, कोई स्कीम निकाली तो आप देखते हैं कि वो उसके जब प्रचार नहीं करते उसके लिए, वो एक इंफॉर्मेशन देना होता है तो कहीं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस रिलीज होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जैसे अभी कोरोना की बात की जाए तो जब वैक्सीन बनने वाली थी या उसके लिए क्या उपचार के लिए क्या क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह आए थे, उन्होंने बार बार अपनी मॉनिटर किया था कि सिचुएशन को क्या चल रहा है और बार बार वो अपडेट दे रहे थे लाइव आकर। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा कोरोना के समय में, जब कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, वो बार बार आके अपडेट दे रहे थे, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मतलब देश में क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब कोई भी लॉ जैसे आ गया तो उसके बारे में समझाना, उसके बारे में जानकारी देना, नए रूल्स आ गए। जैसे आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट्स की भी कई ऐसी पॉलिसीज चलती हैं या कुछ वो नया लेके आते हैं तो वो उसका पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन एक पॉजिटिव वे में देना, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल में होता है। और इसमें एक और चीज जो मैंने देखा है कि आप इससे कैसे कैसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसमें प्रेस रिलीज है, इंटरव्यूज होते हैं, आप वीडियो रिलीज कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे सकते हैं, तो कई ऐसे मेथड्स जिसके थ्रू आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और आजकल जैसे काफी कॉमन चीजें चल रही हैं, इसमें एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अभी कॉलर टून आपने देखा, लोगों को सतर्क करने के लिए भी ये मॉडल यूज होता है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो आपको हर बार जब रिंगटोन आप सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी को कॉल लगाते हैं तो वहां पर कॉलर टून आती है कि कोई महिला होती है, अभी उससे पहले अमिताभ बच्चन का काफी चल रहा था कि उनका उनके एक वॉइस ओवर आता है कि कोरोना काल में आपको सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, ऐसा करके एक मैसेज आता है, तो वो इसके इस मॉडल के अंदर आता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इन अ पॉजिटिव में, इन अ मीनिंगफुल वे, मतलब पॉजिटिव मीनिंगफुल। इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताई जाती है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, कोई ऐसी जो फालतू की चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की, जिसका नाम है टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल। अब टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल क्या होता है, जैसे एसिमेट्री का मतलब आप समझ गए होंगे, दो चीजें होती है, एक सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझाता हूँ, भले ही उसका मॉडल चौथा है मगर अभी मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ दोनों में क्या होता है। सिमेट्री होता है कि एक सीक्वेंस में चलना, एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना, और एसिमेट्रिक होता है जिसका कोई बैलेंस नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। तो टू वे एसिमेट्रिक मॉडल क्या होता है कि कोई सिस्टम नहीं, कोई बैलेंस नहीं है। इस मॉडल को किसने डेवलप किया था, एडवर्ड एल बर्नेस, इसको भी आपको याद रखना है, एडवर्ड एल बर्नेस ने टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल डेवलप किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टू वे सिमेट्रिकल मॉडल किसने बनाया था तो आपको नाम देना है एडवर्ड एल बर्नेस पे, आपको टिक लगा के आना है। मगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि पब्लिक रिलेशन मॉडल किसने बनाया तो आपको क्या जवाब देना है, ग्रंज एंड हंट। ओवरऑल ग्रंज एंड हंट ने पूरा डेवलपमेंट किया था, मगर एक पर्टिकुलर मॉडल की बात की जाए जिसका नाम है टू वे सिमेट्रिकल मॉडल, उसका नाम है एडवर्ड एल बर्नेस। इससे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला आप देखिए, इसको भी इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं कि प्रेस एजेंट एंड पब्लिसिटी मॉडल किसने बनाया था, उसका नाम है पीटी बर्नम मॉडल। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कि पीटी बर्नम मॉडल किसको कहते हैं, प्रेस एजेंट पब्लिसिटी मॉडल को कहते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि टू वे एसिमेट्रिक मॉडल किसने बनाया था तो उसमें आप दे सकते हैं जवाब, एडवर्ड एल बर्नेस ने। ठीक है, अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है हम समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि ये मॉडल टू वे कम्युनिकेशन मॉडल, इसमें मतलब आप सेंडर रिसीवर दोनों का रोल इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंडर भी अपनी बात कर सकता है, रिसीवर भी अपनी बात कर सकता है, मगर ये मॉडल बैलेंस नहीं होता, मतलब इसमें कोई बैलेंस चीज नहीं है। मतलब इसमें एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको अच्छा समझ में आ पाएगा।
अगर आप देखें, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप कॉल करते हैं, कई मैं दो एग्जांपल लेता हूं और दोनों एग्जांपल में दोनों मॉडल को मैं समझा सकता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप होस्टिंग खरीदते हैं, कई ऐसी होस्टिंग कंपनी है, मैं आपको थोड़ा उस डिटेल में लेके जा रहा हूँ। अगर आपने होस्टिंग नहीं ली हो तो भी उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप कभी होस्टिंग एंड डोमेन लेते हैं और कई बार आप वेबसाइट खुद बनाते हैं या आप किसी से बनवाते हैं, तो आप देखते होंगे आप अगर खुद बनाते हैं तो आप उसको उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर आप वेबसाइट खुद बनाते हैं तो उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कई टेक्निकल एरर्स आते हैं, मगर कई ऐसी होस्टिंग कंपनी है जब आप उनको फोन लगाते हैं तो उनका रिप्लाई अच्छा नहीं होता है, मतलब वो पॉजिटिव वे में रिप्लाई आपको नहीं करते हैं, वो टाल मटोली करते हैं, आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं और आपको काफी परेशान होना पड़ता है। तो उसका मतलब क्या है कि मतलब वो अपने इमेज तो बना रहे हैं, उनने अपने कंपनी के लिए प्रमोशन भी अच्छा किया, बेस्ट दिखाने की कोशिश की, मगर जब सर्विस देने की बारी आई तो वो उसको प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब एक प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पा रहा है कस्टमर और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में। एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हैं इसके अंदर कि जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने, एक और चीज में एग्जांपल और देता हूँ, कई ऐसी वेबसाइट्स है वहां पर आप देखते हैं, या मैं कहूँ कि कई ऐसे आपने देखे होंगे ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं आजकल, कई बार आप फेसबुक ओपन करते तो ओपन आता है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न लिंक्डइन मार्केटिंग, या कोई भी तरह के ये सीख लीजिए, उसके नीचे आप कमेंट पढ़ते हैं या उनकी वेबसाइट में आते हैं तो पॉजिटिव कमेंट्स दिखाई देते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिखाया जाता है, और उसी लालच में क्या होता है आप कोर्स ले लेते हैं। जब कोर्स देखते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या है, हमने तो सोचा कुछ था और मिल कुछ गया। तो मतलब क्या है कि अपनी इमेज को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसमें जितनी भी चीजें होती हैं सब पॉजिटिव बनाते हैं, हर जो भी नेगेटिव चीजें होती है उसको छुपाए रखते हैं, उसको कभी दिखाते नहीं है, ताकि इनकी इमेज अच्छी बनी रहे कस्टमर के सामने। तो मतलब क्या है इनका कि हर चीज अपनी अच्छाई चीजें दिखाना, अच्छी पॉजिटिव चीजें दिखाना, और एक मतलब क्लाइंट भले ही जब आप कह सकते हैं कस्टमर उसे खुश नहीं है, मगर उसके बाद भी वो अपने लूप होल्स को नहीं दिखाते, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें इस टू वे असिमेट्रिकल मॉडल में दिखाते हैं। उसमें जो म्यूचुअल बॉन्ड है एक कस्टमर क्लाइंट के बीच में और जो एक सर्विस होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। मतलब ये अपने अच्छी चीजें तो दिखाते हैं मगर बुरी चीजें हमेशा छुपा के रखते हैं ताकि इनकी इमेज खराब ना हो सके। तो ये पब्लिक रिलेशन इसके अंदर यही होता है कि अपनी सारी अच्छी चीजें दिखाना और बुरी चीजों को हाइड कर देना। आपने देखा होगा कई टेस्टिमोनियल अच्छा अच्छा लिख देते हैं, मगर कहीं ऐसे भी टेस्टिमोनियल होंगे, मान लीजिए आपने 100 लोगों के लिए आप काम करते हैं, मान लीजिए कंपनी है उसमें आप 100 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मगर जरूरी नहीं कि 100 के 100 लोग आपसे खुश हों। कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने कई लोगों के लिए अच्छा काम किया हो, कहीं में आपने लूपहोल्स हो, उनको काम पसंद ना हो, मगर आप हमेशा रिव्यू पॉजिटिव दिखाते हैं। वो रिव्यूज आप नहीं दिखाते हैं जिसमें उन्होंने आपकी नेगेटिविटी चीजें डाली हो कि यार हमें पसंद नहीं आया ये, तो हमेशा आप वो चीज को हाईलाइट करते हैं इसमें पॉजिटिव। तो इसमें जो एक लूप होल है कि इसमें बैलेंस्ड कम्युनिकेशन नहीं होता है, बैलेंस्ड चीज नहीं है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी मॉडल की तरफ जिसका नाम है टू वे सिमेट्रिकल मॉडल। ये एसिमेट्रिक का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है जैसे मैंने बताया, एसिमेट्रिक होता है अनबैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है, सिक्वेंस नहीं है। अगर सिमेट्री का मतलब है एक जैसा सिक्वेंस और एक बैलेंस्ड होना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं होस्टिंग में ही लेके जाता हूँ आपको। कई ऐसी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे पर्सनली अगर आप देखें तो कई ऐसी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है जो आपको होस्टिंग देती है, और क्यों लोग लेते हैं, वो महंगी भी होती है, कई होस्टिंग बहुत सस्ती भी होती है, मगर वो सस्ती और महंगी में अंतर क्या है, कस्टमर सपोर्ट का अंतर होता है। तो सस्ती होस्टिंग होती है उसका कस्टमर आप सपोर्ट कभी भी देख लें, वो इतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते और वो आपका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। मगर आप जब अच्छी होस्टिंग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कई बड़ी बड़ी होस्टिंग है, ब्लू होस्ट है या और भी है, अपनी साइट ग्राउंड, आजकल साइट ग्राउंड काफी फेमस है, आप उनकी बात करते हैं तो आप जब भी देखेंगे उनका जो जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपका सॉल्यूशन जब तक नहीं मिल जाता वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कहते कि यार हम अब कल कर देंगे या टाल मटोली नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट में कॉल काट देंगे। आपने अगर उनको कॉल किया है आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा 10 से 15 मिनट, जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपका सॉल्यूशन निकले। उससे क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस मॉडल का जो मेन यूएसपी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है क्लाइंट के बीच में भी और जो सर्विस प्रोवाइडर उसके बीच में भी, ये हमेशा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। कम्युनिकेशन का जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है बहुत प्रॉपर होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, और आप अगर कोई भी समस्या लेके जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको नए नए सॉल्यूशन बताते रहेंगे, या मान लीजिए कोई ऑफर आ गया तो आपको हमेशा अपडेट करेंगे, आपको ऑफर्स भी देते रहेंगे। तो ये काफी चीजें जो कस्टमर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, तो उसका हमेशा ये लोग ध्यान रखते हैं। इसमें जैसा कि इसमें मैंने मेंशन किया है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेथड होता है इसके अंदर, और प्रॉपर प्रॉपर जैसे मैंने बताया प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का फ्लो बना रहता है लगातार, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन क्या है,
इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन एक क्लाइंट के लिए, एक कस्टमर के लिए, आप मान लीजिए कोई ब्रांड है, आप ऐसे ब्रांड को भी कंपेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जियो की सर्विसेज, अभी एयरटेल की सर्विसेज है, कई जगह आप देखते हैं जियो बहुत अच्छा काम करता है, कई जगह एयरटेल काम करता है। तो जो ब्रांड वैल्यू है दोनों ने अपने बना के रखी है, वो कस्टमर के सॉल्यूशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और खासतौर में मैं एयरटेल का नाम लूंगा है, क्योंकि एयरटेल ब्रॉडबैंड, जैसे मेरे यहाँ एयरटेल ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, मान लीजिए किसी दिन मेरा नेट नहीं चलता, मैं फोन लगाता हूँ, अगले दिन उनका सर्विस प्रोवाइडर आके पूरी सॉल्यूशन करके जाता है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। आप जितने जल्दी क्लाइंट का सेटिस्फाई कर पाएंगे, उसका विश्वास बनाए रखेंगे, आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, उतनी देर आप एक अपने कस्टमर को, एक कंपनी कस्टमर का बॉन्ड उतना रहेगा, और वो उतने लंबे समय तक कस्टमर उस कंपनी से जुड़ा रहेगा। तो ये टू वे सिमेट्रिकल मॉडल होता है। तो आज देखिए, हमने चारों मॉडल बताए आपको, फोर मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन, जिसमें मैंने प्रेस एजेंट पब्लिसिटी मॉडल पहला था, दूसरा है पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल, तीसरा है टू वे एसिमेट्रिक मॉडल, और चौथा है टू वे सिमेट्रिक मॉडल। तो ये चार तरह के मॉडल होते हैं। अब इसमें से आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जितने भी अगर डाउट्स होंगे मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या समझ में इसमें नहीं आया, तो उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको डालता रहूँ। धन्यवाद।